हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोमल राठौर व्लॉग्स में। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस, मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं, मतलब शाम के 6 बज रहे, दिया बत्ती का टाइम हो रहा है अभी, और आज मैंने पूरा दिन रेस्ट किया है। मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि इतने दिन से मेरी जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, शादियाँ शादियाँ शादियाँ। तो आज का दिन मुझे ना तो कहीं जाना था और ना कोई काम था, तो मैंने आज के दिन फुल रेस्ट किया है। मतलब सुबह से मैं बेड से उठी भी नहीं हूँ, बस नहाए धोए खाए और सो गए वापस से। तो आज का दिन फुल रेस्ट किया है। अब दिन फ्री था, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी रात को भी हम फ्री हैं। रात को जाना है, शादी में ही जाना है। मतलब मेरी कॉलोनी में फ्रेंड है, फ्रेंड क्या मेरी बहन जैसी है, राठौड़ ही हैं, तो उनके भाई की शादी है। तो मैं अभी तक उस दिन कल बांध था तो उसमें भी नहीं गई मैं। कल आप सभी को पता है, कल का व्लॉग देखा होगा, खासाकुटी में चली गई थी शादी में, मेरे ननद भाई साहब की शादी में चली गई थी। तो कल उसके वहाँ अटेंड नहीं कर पाई, तो आज उसके वहाँ अटेंड करूँगी। ये अच्छा भी नहीं लगता है, मेरी खुद की ये गलती है, बट ये होता है ना कि सबको मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है एट द सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम पे हर चीज़ होना, तो वो थोड़ी मैनेजेबल होती नहीं है। तो आज दिन में रेस्ट कर लिया, अभी रात को गीत और जो भी डांस वगैरह होता है ना उसमें मैं जाने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरी ब्लॉग में एंड तक, और आपको मैं बताने वाली हूँ क्या पहनूंगी। पहन के तो मैं सोच रही हूँ वही राई बंदिश पोशाक पहन जाती हूँ, क्योंकि यहाँ तो अभी पहन के गई भी नहीं, मैं एक दिन भी नहीं गई हूँ, तो वही पहन जाती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे मैं रेडी होती हूँ, क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ जब मैं रेडी होती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में एंड तक। क्या बस अब आई हूँ आपके पास। बाहर पोर्च की लाइट करके आ। क्या पोर्च की लाइट करके आ, जा लाइट करो। गाइस आज मैंने और मामा ने फुल रेस्ट किया है, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया आज। मैंने फैन ऑन कर दिया था गाइस पोर्च का। शाम को बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, बहुत सारी नॉइस पॉल्यूशन फैलाते रहते हैं बच्चे। हाय मम्मा। हाय। क्या बना रहे हो? दाल। दाल बना रहे हो? तो गाइज मेरे मम्मा तो शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मम्मा शाम का खाने की तैयारी जल्दी कर लेना, चलना है अपन को। चलेंगे। है ना, अच्छा नहीं लगता ना, मैं एक दिन भी नहीं गई। चलेंगे आज। आज चलेंगे है ना। चलें। गाइज मम्मा तो रोज जाते हैं उनके पर मैं हूँ कि मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। मम्मा की तो कोई गलती नहीं, गलतियाँ तो मेरी वहाँ पे बोलेगी अंशु। तो गाइस मैं जिनके नहीं जा रही हूँ ना, उनका आज सुबह से मैसेज आया था कि मैं देख रही हूँ आप कब तक नहीं आते हो। मैंने कहा आज मैं पक्का आऊंगी, आप टेंशन मत करो, मतलब आज तो पक्का आ ही जाऊंगी। बोलो वो भी देखते हैं आते हो या नहीं, वो तो देखते हैं, वो तो रात को पता लगेगा। तो मम्मा बात ये है कि अब हम बड़ों की गिनती में आते हैं शादी के बाद, मतलब है ना मम्मा। तो गाइस एक चीज फील होती है शादी के बाद कि जब छोटे थे ना तो मतलब कहीं जाओ ना जाओ तो कोई मतलब ऐसा नहीं होता था कि हाँ क्यों नहीं गए क्यों नहीं आए, लेकिन अब ऐसा होता ना कि हर जगह अपनी खुद की प्रेजेंस, मम्मी की तो है ही है बट अलग से खुद की प्रेजेंस भी देनी पड़ती है, चाहे ससुराल हो चाहे पीहर वाला पक्ष हो, कहीं भी हो। इतने दिन तो हमें बच्चों में काउंट किया जाता था, पीहर में तो स्पेशली, लेकिन अब होता है ना कि हाँ मुमल नहीं आई, मुमल नहीं आई। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है शादी के बाद, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस अभी कुछ ही देर बाद खाना वाना खा के रेडी होंगी, तो बने रहना मेरे व्लॉग में एंड तक। पापा ऊपर पूजा कर रहे हैं, देखते हैं मंदिर में जाती हूँ या नहीं। मौसम काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, अच्छा मौसम चल रहा है। गाइस मम्मा लगा रहे हैं दाल में छोंक, और मम्मा ने हमारे लिए स्पेशली बनाया था गाजर का हलवा। भाई भी आने वाला है, हैं मम्मा कब आएगा मन्नू? कल आएगा, सुबह आएगा वो जल्दी। सुबह? आज रात को बैठ जाएगा, अच्छा जल्दी आ जाएगा। तो गाइस कल मेरा भाई आने वाला है जल्दी सुबह, क्योंकि उसे भी कोई फ्रेंड की शादी अटेंड करनी थी, सॉरी माधोपुर से यहाँ आएगा। बट ये हलवा तो मैं नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि मेरे हो रही है खांसी, और इसमें होता है भरपूर घी। और मम्मा आपने बनाया भी इतना सारा है यार, 5 किलो तो बना ही लिया है, ऐसा दिख रहा है इसमें तो कि 5 किलो बन गया है। और मेम्बर है हम 3 या 4 बस। क्या करूँ तुम्हें तो बना दी। सही है गाइस, आज पता नहीं क्या हो रहा है कि भूख लग रही है बहुत तेज वाली, मतलब भूख लग रही है, और मतलब ऐसे तो खाया था खाना मैंने दोपहर में, बट इतनी तेज़ भूख लग रही है ना, ऐसा लग रहा है सुबह से मैं भूखी हूँ। चलिए गाइस फ़ोन तो मैं लगा रही हूँ अब चार्जिंग पे, और उसके बाद खाना वाना खा के मंदिर जाके फटाफट से मैं रेडी होंगी। उसके बाद रेडी होते टाइम आपके साथ व्लॉग शूट करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या, मतलब जो मेरा बेसिक मेकअप होता है ना उसमें मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। तो बने रहेगा मेरे व्लॉग में एंड तक।
तो गाइज यही राई बंदेज वाली ड्रेस मैं पहन रही हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि अभी तो वो डेली वाला डांस होता है ना, सिर्फ वही है आज तो। और ये वैसे भी मैंने अभी तक एक ही बार पहनी है इस ड्रेस को, दोबारा पहना भी नहीं है। तो ये वाली ड्रेस मैं अभी पहन रही हूँ, वैसे तो अभी कॉलोनी की लेडीज़ ही हैं ज़्यादा, और कोई नहीं है। चलिए गाइज फटाफट से रेडी हो जाते हैं। तो गाइज फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि आज ना मैं नहाई थी ना, वैसे ही मैं सो गई थी नहाते ही, ना मैं बिंदी लगाई, कुछ भी नहीं किया, मतलब ना क्रीम यूज़ की, कुछ भी नहीं किया, नहाई और मैं बस हैंड टू हैंड सो गई। अब अच्छे से रेडी होते हैं और उसके बाद चलते हैं डांस प्रोग्राम में, तो बने रहना मेरे व्लॉग में। लीजिए गाइज बैंगल्स मैंने पहन लिए हैं, नॉर्मली पहने हैं, बस रेड कलर के बैंगल्स पहन लिए। अब इसे रख देते हैं और फटाफट से ये ड्रेस पहन के, चूड़ा पहना है मैंने क्योंकि आज मैंने सिंगल चूड़ी डाल ली थी सुबह नहाते टाइम, तो अब ड्रेस पहन के निकल। ये लीजिए गाइस ड्रेस तो मैंने पहन ली है, और अब नीचे जाके थोड़ा बहुत टचअप कर लेती हूँ, बिंदी वगैरह लगाना ये सब कर लेती हूँ, थोड़ी सी ज्वेलरी पहन लेती हूँ, मतलब कान में और गले में पहन लेती हूँ, और उसके बाद निकलते हैं फटाफट। वैसे कल से अब तक मेरी ज्वेलरी ही पर्स में रखी हुई है, मतलब कल मैं गई थी ना शादी में खासा कोटी सर्कल, तो वहाँ से अभी तक मैंने निकाली नहीं मेरी ज्वेलरी को। सारी मेरी जितनी भी रिंग्स है सभी यहीं रखी हुई है। वैसे साड़ी तो मैं पहनने वाली भूल ही अभी, मेरा रूम इतना मैस हो चुका है ना, मतलब मेरी लास्ट शादी होगी 12 तारीख की, उसके बाद कोई शादियां नहीं है, फिर उसके बाद मुझे अच्छे से मम्मी वाला घर सेट करना है, क्योंकि मैं आई हूँ ना तब से मैंने घर पूरा फैला रखा है, मतलब इतनी बुरी तरीके से, क्योंकि आई हूँ तब से तो शादियों में आना जाना लगा हुआ है, और पहले मेरी तबीयत खराब थी आई थी तब, उसके बाद मेरी शादियों में आना जाना लगा हुआ है गाइस, तो कुछ भी ढंग से प्लान नहीं हो पा रहा है क्या करना है क्या नहीं। तो चलिए अब 12 तारीख का वेट है, 12 तारीख बाद में ना मेरा भाई भी आने वाला है, तो उससे भी मिलना है, मैं आपको मेरे भाई से भी मिलवाने वाली हूँ। मेरा भाई बाहर रहता है जॉब की वजह से, सवाई माधोपुर रहता है वो, तो मेरे ब्लॉग में मैं उसको भी लेके आने वाली हूँ। तो गाइस चलिए फटाफट से नीचे चलते हैं, अब ऊपर तो कोई काम नहीं रहेगा, ओढ़ना लेके चलते हैं नीचे, मम्मा के रूम में रेडी होंगे, क्योंकि मम्मा के रूम में ना ड्रेसिंग है, ऊपर अभी मिरर नहीं है। गाइस आई हूँ ना तब से पिटारा है ना ऐसे ही खुला पड़ा रहता है मम्मी वाले रूम में, इसमें मेरे मेकअप और स्किन केयर रूटीन ये है, इसमें पड़ा है मेरा स्किन केयर रूटीन, आई हूँ तब से ऐसे ही रखा हुआ है ये, बस डेली आती हूँ तैयार होती हूँ और रख देती हूँ। तो गाइस मैं जो बेस होता है ना फेस का उसके मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ स्विस ब्यूटी का ये माउस फाउंडेशन, आप देख सकते हैं स्विस ब्यूटी प्राइमर माउस फाउंडेशन, क्योंकि ये होता है कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए डेली मेकअप के लिए, मतलब डेली टचअप के लिए, तो इससे क्या हमारी स्किन को कोई हार्म भी नहीं होता है। मैं ये वाला फाउंडेशन प्लस प्राइमर ये दोनों इसमें इंक्लूडेड है, तो ये यूज़ करती हूँ, इससे मेरी स्किन थोड़ी ख़राब, मतलब ज़्यादा ख़राब नहीं होती, क्योंकि इन दिनों ना पूरे दिन हमें डेली मेकअप करना पड़ रहा है, फिर भी मेरी स्किन मतलब ख़राब हुई है ऐसी बात नहीं है, पर इतनी नहीं हुई है जितनी वैसे वाले फाउंडेशन वगैरह इनसे होती है। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग ये वाला यूज़ करें, और मेरा शेड है 04 नेचुरल न्यूड। अब ये आप आपके शेड के अकॉर्डिंग लेके आना, स्किन टोन के अकॉर्डिंग लेके आना, ऐसे नहीं कि मैंने 04 बताया तो आप भी 04 लेके आ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करते हैं, तो गाइस सबसे पहले ना आईज़ के नीचे अप्लाई करती हूँ, क्योंकि यार मेरे इन दिनों डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं ना। ना तो नींद पूरी हो रही ढंग से, शादियों के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक ज़िंदगी हो चुकी है मेरी, तो समझ नहीं आ रहा किस दिन कौन सी शादी में जाना है, मतलब हर दिन मैं अलग शादी में जा रही हूँ गाइस, हर दिन पियर आई हूँ ना तब से मम्मी के पास तो बैठी ही नहीं हूँ। गाइज मैं अब यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। वैसे यार सब लोग मुझे बोलते कि आप मेकअप वीडियो शूट नहीं करते, गाइज मैं क्या मेकअप वीडियो शूट करूँ, मुझे सीरियसली मुझे मेकअप नहीं आता है, ये सच है, मतलब मैं मेरा मेकअप होता है फाउंडेशन लगाया, थोड़ा बहुत कंसीलर लगाया, लिपस्टिक लगाई, काजल लगाया, हो गया मेकअप, ये मेरा मेकअप होता है। मतलब वीडियो बनाने के लिए ना प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होती है मेकअप की, और वो है ना मुझे इतना नॉलेज है नहीं, तो आप लोग की इस बारे में क्या राय है ना आप लोग मुझे ज़रूर बताना, मेरे से मेकअप सीख के जाओगे ना
फिर तो सोच लो कैसे लगोगे सब। इसलिए मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को उल्टा ज्ञान देना पसंद नहीं करती कभी भी, चाहे मैं कंटेंट कम डाल दूं, पर गलत कंटेंट डालना वो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। बट है ना, मैं सीखूंगी जरूर आप सबके लिए, सीख के और फिर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी इस बारे में। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाली लिपस्टिक, ये न्यूट शेड है, न्यूट शेड ही मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। फटाफट से लिपस्टिक अप्लाई कर लेते हैं। गाइस, काजल मैं यूज़ करती हूँ ये मेबलिन कॉलोसल वाला काजल, तो ये तो नॉर्मली सभी यूज़ करते हैं, इसमें कोई ऐसा स्पेशल है नहीं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। मम्मा आप कौन सी ड्रेस पहन रहे हो? जो पहने हुए नहीं सही है, ओके है आज। गाइस ऑलमोस्ट मैं रेडी हूँ, बस इयररिंग्स पहनने। मम्मा बाल ऐसे ही रखूँ क्या या खोलूँ? है ना सही रहेंगे ऐसे, है ना अच्छे तो लग रहे हैं ना। एक तो मेरे कान है ना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना कानों में। गाइस मैं सोच रही हूँ कि मांग टीका भी पहन ही जाती हूँ, थोड़ा ज्यादा सिंपल हो गया है ना मामा। थोड़ा क्या, ड्रेस पहनते तो उस हिसाब से रेडी भी होना पड़ता है फिर। अलग अलग तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और मम्मा ने कहा गले में भी थोड़ा बहुत पहन ले, तो मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरी हसली भी ऊपर ही रखी हुई है, वापस ऊपर जाके पहनना पड़ेगा। तो गाइस हसली डाल लेती हूँ गले में, अब आप लोग जरूर मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही थी। येलो जी हो गए हम रेडी, ये है हमारा प्रॉपर फाइनल लुक। येलो गाइस मैं हूँ रेडी, मैंने हटा दिया मांग टीका। तो गाइस मैंने मांग टीका हटा दिया, मुझे थोड़ा हैवी लग रहा था, और ये है मेरा फाइनल लुक। और अब निकलते हैं फटाफट, और हमारे मम्मा तो एकदम एवरग्रीन लेडी, मुझसे ज़्यादा तो मम्मा के कमेंट्स आते हैं। चले मम्मा चलो आ जाओ। गाइस देखिए चारों तरफ से ना डीजे की आवाज़ आ रही है, मम्मा कर रहे हैं लॉक और अब निकल रहे हैं। चारों तरफ से डीजे मतलब हमारे एक मंदिर में भी हनुमान चालीसा हो रहा है, इधर किसी की शादी है, और जिस शादी में मैं जा रही हूँ जस्ट आगे वाली गली में। हाँ मम्मा लाइट तो ऑन कर लेते हैं, अंधेरा हो रहा है। मम्मा चारों तरफ से डीजे बज रहा है, यही रख दो पापा ने कहा था। गाइस हमारी गली में भी है ना कोई बारात आ रही है, जाने निकासी है क्या है। मम्मा देखो गली में भी एक डीजे आ रहा है, चारों तरफ से डीजे हो रहा है। गाइस देखो डीजे आ रहा है कोई, मम्मा बारात है कि नहीं, बारात तो नहीं है,
कोई बिंदोरी वगैरह है। ओ गाइस हम तो ना कंफ्यूज हो गए, ये जो बंदोरी आ रही है ना ये हमारे मतलब भैया उन भाई की शादी है, मतलब जो मैं मेरी फ्रेंड के भाई की शादी है ना उसी की बंदोरी आ रही है ये, और हम उनके घर जाने वाले थे। अच्छा वो मम्मा अपन यहीं रुक गए है ना। हाँ तो इसी बंदोरी में मिल जाएंगे हम और घर जाके और डांस वांस करके और गीत गा के फिर घर आ जाएंगे। अभी तो थोड़ी दूर है बंदोरी। नाचो कटे है पटे कर दियो। अरे सीमा जी किधर है? बचपन में देखे थे नीचे है वो अंशु डीजे हैं। वीडियो के बढ़िया डालो और क्या मान बुला ले फोन कर कर छोड़ दिया। फोन ये ऐसी आदत पड़ी है ना, मतलब पीयर में होती हूँ ना तब भी ऐसे रहता है हाथ बार बार सिर पे करने, ससुराल वाली आदत पड़ गई। एक साल में मेरी तो पड़ गई। माई से ड्रेस चेंज कर रहा है ना, ड्रेस चेंज कर दूसरा मासी आया है। मैं सोची दूसरे मासी आए दो मारेंगे इतनी हिम्मत भाई हम में नहीं है अभी भी। इनमें तो भाई साहब बेहतर है। तो गाइज हमने फिर डांस स्टार्ट किया था, मैंने और मेरी फ्रेंड ने गणेश जी वंदना होती है ना उससे हमने गणेश जी के गाने से डांस की स्टार्टिंग कर दी थी, और उसके बाद में सारी लेडीज़ एक एक करके डांस कर रही थी। तो हमें घर आते आते ना 12 बज गई थी, 12:30 तो हो ही चुकी थी, तो फिर घर भी लेट आए क्योंकि बंदोरी थी और फिर उसके बाद में हमने खाना भी खाया था, तो इसमें क्या काफ़ी लेट हो चुका था खाना वाना खाने में बंदोरी निकालने में, तो डांस आज वैसे कम ही हुआ था। और अब देखते हैं कल मैं यहाँ आती हूँ या नहीं, क्योंकि एक ससुराल में शादी है उसमें भी जाना है मुझे, तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में एंड तक। दस बजे तो गया आउट हुआ जी।
चुकी हूँ फाइनली। मैं और मामा अब सोने वाले हैं। थोड़ा मैंने मेकअप वगैरह रिमूव किया, स्किन केयर किया थोड़ा, और अब मैं ऑरेंज खा के सोने वाली हूँ बस। अब तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। बाय, गुड नाइट।